खबर सीजी न्यूज में आपका स्वागत है। जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी सिवरी नारायण में 16 फरवरी मांघी पूर्णिमा से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और प्राचीन मेले की शुरुआत होगी। 15 दिनों के सिवरी नारायण मेले के आयोजन के तैयारी को लेकर आज कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और सिवरी नारायण नगर पंचायत की अध्यक्ष अंजनि मनोज तिवारी समेत अन्य जनप्रतिनिधि की बैठक होगी, जहां कोरोना गाइडलाइन के तहत मेला आयोजन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। 5 फरवरी को सिवरी नारायण में जांजगीर SDM कमलेश नंदनी साहू भी जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिकों की बैठक लेगी। यहाँ प्रारंभिक तैयारी के बारे में कलेक्टर साहब से चर्चा हुई है, क्योंकि ये सिवरी नारायण का मेला ये आस्था का मेला है, इसमें जन भावनाएँ जुड़ी हुई है और बहुत ही ऐतिहासिक मेला है, बहुत पहले से ही चली आ रही है। हर साल ये मेला लगता ही है और जैसे ही शासन का निर्देश आएगा, कोरोना गाइडलाइन जैसे ही आएगा, उसका पालन करते हुए सिवरी नारायण का मेला लगाया जाएगा। और अभी हमें प्रारंभिक तैयारी करने के लिए तो बोला गया है, फिर जैसे शासन आदेश करे उस हिसाब से फिर मेला लगेगा। 16 तारीख को मेला लगना है मांघ पूर्णिमा के दिन, उससे पहले ही हमारे यहाँ पूरा दुकान आ जाते हैं और श्रद्धालु लोग भी रात में ही आ जाते हैं। आपको बता दें, सिवरी नारायण में हर साल 15 दिनों का मेला लगता है। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मेले के रूप में सिवरी नारायण की पहचान है। सिवरी नारायण को पुरी के जगन्नाथ का मूल स्थान माना जाता है और मान्यता है कि मांघी पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ सिवरी नारायण में विराजते हैं। इस दिन भगवान के दर्शन की बड़ी मान्यता है और यही वजह है कि इस दिन लोगों की भीड़ उमड़ती है। धार्मिक नगरी सिवरी नारायण आज आस्था का केंद्र है। सिवरी नारायण के मेले में छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से लोग आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर सीजी न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि आप Facebook यूजर हैं तो तेज अपडेट के हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। Twitter और Instagram में भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। पोर्टल हमारी खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.khabarsijinews.com।